वेलकम फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पे क्लिक करिए और साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी क्लिक करिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। हाय फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी फ्रेंड रेखा और मेरे यूट्यूब चैनल रेखा फूड एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम वेज मोमोज बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और साथ में गार्लिक की चटनी बनाएंगे जो बहुत ही स्पाइसी होती है। रेड चटनी के साथ मोमोज बहुत टेस्टी लगते हैं। और आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन पे क्लिक करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं वेज मोमोज। मोमोज बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है, आधा फूल पत्ता गोभी का इसको मैंने बारीक चॉप करा है, 1 शिमला मिर्च इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1 ही प्याज लिया है जिसको भी चॉप कर लिया है और 1 कैरेट जिसको ग्रेट किया है, 1 चम्मच ऑयल लिया है, ये कुछ मसाले लिए हैं, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे और 1/2 चम्मच जिंजर का पेस्ट। ये चटनी बनाने के लिए 1/2 टमाटर लिया है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 7 से 8 कलियां लहसुन के लिए। सबसे पहले जो मैदा लिया है उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। ये अपने को सॉफ्ट डो तैयार करना है, जिस तरीके से अपन रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरीके का डो अपने को इसका तैयार करना है। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, अच्छे से मिक्स करते हुए इसको गूंदते हुए बिल्कुल रोटी के डो की तरह ही इसको बनाना है। मैंने डो तैयार कर लिया है, इसको सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक अपन मोमोज को भरने के लिए मसाला बनाएंगे। कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। चेक करेंगे ऑयल गरम हो गया क्या। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें जो जिंजर का पेस्ट लिया है वो डालेंगे। अपन इसमें गार्लिक का पेस्ट नहीं डाल रहे क्योंकि गार्लिक की चटनी के साथ खाते हैं तो इसमें गार्लिक की डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें प्याज डाल के प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे और जो बाकी की सब्जियां लिया हैं एक एक करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। हम इसमें जितनी भी ये सब्जियां डालते हैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, हल्का हल्का ही पकाते हैं, थोड़ी सब्जियां खड़ी रखते हैं तो मोमोज में टेस्ट अच्छा आता है और मोमोज के साथ भी ये पक जाती हैं स्टीम में। मैंने ग्रेट की हुई गाजर डाल दी है, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो पत्ता गोभी ली है इसको भी डाल देंगे। पत्ता गोभी इसके मेन इंग्रेडिएंट होता है इसलिए पत्ता गोभी को ज़्यादा डालते हैं। पत्ता गोभी का टेस्ट मोमोज में बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और जो काली मिर्च पाउडर लिया है वो भी डाल देंगे। आपको इसमें ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही क्योंकि जो गार्लिक की चटनी है वो काफ़ी स्पाइसी होती है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, इसको हल्का ही पकाएंगे। ये अपना पक के तैयार हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको मोमोज में भरेंगे। तब तक अपन जो डो तैयार किया था वो सेट हो चुका है, इसको दोबारा से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसकी मोमोज को भरने के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसी बनाएंगे। इसको अच्छे से मैश कर लिया, इसका रोटी जितना आटा लेंगे जैसे रोटी का आटा लेते हैं वैसे ही बोल बनाएंगे इसकी और हम इसकी बड़े सी रोटी बनाएंगे। इसको अच्छे से बेलते हुए किनारों की साइड से इसको पूरा बड़ा बेलेंगे और फिर एक कटोरी की सहायता से इसमें से गोल गोल मोमोज काट लेंगे। आप चाहो तो इसको छोटी छोटी लोइयां बना के जिस तरीके से अपन पूड़ी बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से कटोरी या फिर कोई ढक्कन लेके गोल गोल काट सकते हैं। अब इनको अपन थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर लेंगे ताकि किनारों की साइड से अच्छे से पतले हो जाएं।
को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये कटोरी की सेप थोड़ी छोटी है। इस तरीके से सारी पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं। अब जो मोमोज का जो मिश्रण बनाया था अपन ने वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें एक चम्मच के लगभग भरेंगे और चारों तरफ कॉर्नर पे पानी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम मोमोज को बंद कर देंगे। इस तरीके से सलवट बनाते हुए मैं ये सारे मोमोज गोल शेप में ही बना रही हूँ। वैसे तो मोमोज और भी कई सारे शेप में बनाए जाते हैं, पर आज मैं ये गोल शेप में ही सारे मोमोज तैयार कर रही हूँ। ये मैंने सारे मोमोज में भर के तैयार कर लिया है। अब एक छलनी लेंगे। मैं ये आटे वाली छलनी होती है उस तरीके की छलनी मोमोज के लिए यूज करती हूँ। ये छलनी मैं सिर्फ मोमोज बनाने के ही काम में लेती हूँ। इसको इस तरीके से ढक साड़ी पे ऑयल लगा लेंगे। मेरे घर में मोमोज बहुत पसंद करे जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब बहुत ही शौक से खाते हैं मोमोज, तो मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाती हूँ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना, और आपके मोमोज कैसे बनते हैं आप कमेंट करके मुझे बताना। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनको थोड़ा गैप दे दे के रखते हैं, बिल्कुल पास पास में अपन नहीं रखेंगे। पास में रखने से आपस में चिपक जाएंगे। एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के इसको उबाल आने तक पका लिया। अब ये छलनी इसके ऊपर रख दिए और इसको ऊपर से ढक देंगे तो ये स्टीम में पकेंगे। इसको कवर कर दिया है। इसको पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। हम बीच में चेक करेंगे, ये अभी पके नहीं है। पक जाएंगे तो ये अच्छे से शाइन करने लगेंगे, ट्रांसपेरेंट से दिखने लगेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देंगे। तब तक अपन चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी तैयार करने के लिए वही टमाटर, गार्लिक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये चटनी अपनी बनके बिल्कुल तैयार है। मोमोज के साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है और मोमोज का टेस्ट इस चटनी से बढ़ जाता है। ये मोमोज बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये साइन करने लगे हैं, ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं। अब इनको सर्विंग बाउल में डालेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इनको अपन छलनी में से इसके ऊपर से ही निकालेंगे। अगर छलनी नीचे उतार के फिर निकालेंगे तो ये चिपक जाएंगे और आसानी से निकलेंगे नहीं। तो अपन स्टीम के ऊपर ही इनको सारों को एक एक करके निकाल लेंगे। और जो बाकी के बचे हुए मोमोज हैं वो भी पकने के लिए रख देंगे। ये मैंने सारे मोमोज निकाल लिए हैं। जो बचे हुए मोमोज हैं इनको भी इसमें रख देंगे ताकि ये सारे मोमोज और पक के तैयार हो जाएं। ये सारे मैंने इसमें डाल दिए और फिर से इसको ढक देंगे और वही 10 से 15 मिनट के लगभग इनको पकने में लगेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इनको पकने देंगे। ये सर्विंग बोल में डाल दिए हैं। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।